दशरथ मांझी की कहानी तो याद होगी आपको। वही दशरथ मांझी जिनकी पत्नी लेबर पेन के कारण पहाड़ पार नहीं कर पाई और गिरने से मौत हो गई थी। जिद ऐसी चढ़ी कि छेनी और हथौड़ा लेकर पूरा पहाड़ चीर डाला था। कुछ ऐसी ही कहानी है धनबाद के फागु महतो की। पिता के अरमान पूरे करने के लिए गैता और कुदाल से धरती का सीना चीरकर जलधारा बहा दी। और हमारा नाम पर ये बांध है नहीं, हमारा वो अथी है बेटा था, गौर गड़िया बोलता रहा, अब तो तालाब बन गया ना। हाँ, हम बेटा डेट कर गया है। अच्छा, तो ओकरे नाम से सब बोलता है चलो गौर गड़िया, हम लोग मैदान वैदान जाएंगे। हाँ, हाँ। उसी के नाम से, हमारा ना फागुमा के नाम से नहीं है, माटी काटे हैं। जिला धनबाद, प्रखंड बागमारा, गांव पाता महुल। कहानी की शुरुआत बरसों पहले होती है। तब फागु के पिता भरत भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे और मछली पालन के जरिए परिवार का भरण पोषण चलता था। एक दिन मछली बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। भाइयों ने भरत को तालाब देने से इनकार कर दिया। ओ गलती से हुआ था, मछली के लिए हुआ था। तो बोला एगो तुम हमारा बेटा को है, सब डांटता है, चलो यही बना देंगे। तो वही शुरुआत किया था। बाद हम धीरे धीरे मैंने काटते काटते किया। भरत ने 10 सालों तक खुदाई की लेकिन तालाब नहीं बना। पिता की रुखसती होने के बाद बेटे ने ये जिम्मेदारी, ना दिन देखा ना रात, बस लगन से जुटे रहे और नतीजा सबके सामने है। यहाँ का मुखिया, हाँ। बोले तेरे को भरत तेरा लोंग लेके हम कटवा देंगे। अच्छा, तलाक को। हाँ। बोले वो कान पकड़ता है, उसका करना है करना। हाँ। हमने पारते हैं, हमारा बेटा पारेगा, बेटा नहीं पारे उसका बेटा पारेगा। हाँ। लेकिन हम ही कर दिए। फागु फैक्ट्री में काम करते थे, 15 दिन ड्यूटी करते, 15 दिन खुदाई, अंत में नौकरी भी छोड़ दी और दिन रात तालाब की खुदाई में जुट गए। तो बोला बेटा हम आज 4 फरवरी है, बृहस्पति है, आज हम नहीं मरेंगे, कल हम मर जाएंगे, वो बाप का संपत्ति बचाए रखना। अब बोला बेटा का बोला रही। फागु मछली और बत्तख पालन के साथ साथ खेतों में तालाब के पानी की सिंचाई की बात कहते हैं। तालाब रातों में ही कोड़ता रहा। हाँ। दिन में तो नहीं फुर्सत रहता, रात में खोदता था 4 बजे 3 बजे, जब टूटता था तो जाएगा हम तालाब, आ जाता तो तालाब। 22-24 साल से जब मन करे तभी यदि गैता कोई डाला लेके कोटाना यदि काटना शुरू कर देता था। गांव वालों को ठीक है, फायदा हो रहा है, सब कुछ अपना नहा धो रहा, गांव वालों को सुविधा हो रहा है। और ये हम तो बचपन से देखते देखते आज इतना बड़ा हो गए और ये तालाब अकेले काट के कंप्लीट कर दिया। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्यास समंदर से नूर निकलेगा। सचमुच फागु महतो की कड़ी मेहनत ने नूर निकाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।